गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शांटे एंजल। आप सबको स्वागत करती हूँ मेरा चैनल शांटे एंजल पे। और आज का ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि नई दुल्हन आ गए हैं हम लोगों के घर, ठीक है। और आज होगा रिसेप्शन पार्टी, तो उस रिसेप्शन पार्टी में मैं जाऊँगी शाम को। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता देती हूँ, भाई की रिसेप्शन है और जो है उसको दूंगी एक छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट हम दोनों की तरफ से, दीदी और जीजू की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट दूंगी और उसमें हम दोनों का बहुत सारा प्यार होगा। और बड़ा भाई का रिसेप्शन पार्टी है, लेकिन छोटा भाई जो है वो भी लव मैरिज किया था, तो उस टाइम तो उसने कोई पार्टी नहीं किया है। और इस पार्टी की वजह से हम दोनों को भी एक और मौका मिल गया है, छोटी दुल्हन को भी गिफ्ट देंगे, ठीक है। तो दोनों दुल्हन को ही एक गिफ्ट देंगे हम दोनों की तरफ से, तो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है क्या गिफ्ट दूंगी, ठीक है। छोटा सा ही गिफ्ट है लेकिन हम दोनों का बहुत सारा प्यार होगा उस गिफ्ट में। पता नहीं दोनों दुल्हन को पसंद आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन हम दोनों को तो पसंद आया है वो गिफ्ट। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और कमेंट में बताना ज़रूर कि गिफ्ट कैसा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि हम दोनों को तो बहुत पसंद है, लेकिन आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए, प्लीज़ आप लोग क्लिक कीजिए। तो आप लोगों को गिफ्ट दिखाने से पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में चाय और ब्रेड है, तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेती हूँ फिर आप लोगों को गिफ्ट दिखाती हूँ, ठीक है। ब्रेकफास्ट ख़त्म हो गया है और जल्दी जल्दी आ गई हूँ, गिफ्ट को ओपन करने का टाइम हो गया है क्योंकि और मतलब जो है लेट नहीं कर पा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर करना है। ये देखिए ये दो गिफ्ट है, ठीक है। और अभी इसको मैं ओपन करूँगी गिफ्ट को। ये देखिए गिफ्ट, और सेम गिफ्ट है दोनों दुल्हन के लिए, एकदम सेम गिफ्ट है। गिफ्ट तो एकदम छोटा सा ही है लेकिन इसमें बहुत सारा प्यार है हम दोनों की तरफ से। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज जितने भी भाई बहन हैं हम सब लोग एक साथ आज मतलब बहुत मस्ती करेंगे, कितना अच्छा लग रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत दिनों बाद सबके साथ मुलाकात होगा। तो मैं एकदम रिसेप्शन पार्टी के लिए रेडी हो गई हूँ। आज ये रिसेप्शन का लुक्स है मेरा, कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करके बताना ज़रूर। कितना सुंदर स्टेज सजाया है जहाँ पे नई दुल्हन बैठेगी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मुझे मौका मिल गया क्योंकि नई दुल्हन अभी तक नहीं आई है रेडी होके, तब तक मैं अपना खुद का वीडियो बना लेती हूँ, थोड़ा फ़ोटो खींच लेती हूँ। फ़ोटो खींचना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये मौका मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। देखिए कितने मज़े से बैठी हूँ नई दुल्हन की जगह पे और मैं फ़ोटो खींचने में बिजी हूँ एकदम। मुझे फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है और वीडियो भी ले रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या किया है और कितना मस्ती किए है, वो सब आप सबके साथ तो शेयर करना ज़रूरी है। कौन कौन ऐसे मौके का इस्तेमाल करते हो, नई दुल्हन के जगह पे बैठ बैठ के फ़ोटो खींचते हो, सेल्फी खींचते हो, सेल्फी लेते हो, तो वो कॉमेंट में बताना, ठीक है। Thank you.
मैं तो बहुत अच्छे से मज़े से फ़ोटो खींच रही थी, तभी मेरी तीनों बड़ी बहन आ गई है इधर और सब मिल के अब जो है फ़ोटो खींचूंगी। ये हम चारों बहन बैठ गए थे फ़ोटो खींचने के लिए और अभी इसी बीच में मेरी मम्मी भी आ गई है, मम्मी को भी बिठा के फ़ोटो खींच रही थी। और इधर मेरी एक भाई है और भाई की बीवी है, दो आंटी है और मैं हूँ, मेरा ये छोटा भाई भी सामने खड़ा हो गया। दो साइड पे दो भांजी है, बीच में मेरी बहन और नई दुल्हन है। और इधर मेरे देखिए दो दुल्हन खड़ी हो गई इधर, और दोनों साइड में मैं और मेरी बहन भी हूँ ग्रीन कलर में, ये भी हमारे घर के दुल्हन है। और इधर मेरा पीसी मतलब बुआ भी है, आंटी भी है और तीनों बहन, चारों बहन सॉरी, और एक जो है भांजा है और नई दुल्हन है। और इधर तीनों भांजी, एक भांजा और नई दुल्हन, और तीनों भांजी मिलके भी फ़ोटो खींच रहे अलग से। और इधर जो है नई दुल्हन की 6 ननद है, ठीक है, और इधर नई दुल्हन का थोड़ा फ़ोटो भी खींच रहे थे सब बीच बीच में। नई दुल्हन दो साइड में दो ननद को लेके फ़ोटो खींच रही थी। और इधर देखिए मेरा भाई का ये लगता है छोटा मामा और उधर है इसका दादी। बड़ी दुल्हन, छोटी दुल्हन और साथ में मेरा बड़ा भाई है। ये मेरी बुआ का बड़ा लड़का, बड़ी दुल्हन और इनकी एक ही बेटी है। बड़ी दुल्हन, छोटी दुल्हन, भांजा और जो है बहन है और ये बड़ा भाई है। अदनी दोनों दुल्हन को एक साथ फ़ोटो खींच रही थी। और देखिए दोनों भांजा को लेके नई दुल्हन फ़ोटो खींच रहे हैं। और ये छोटा भाई है, छोटी दुल्हन है और इसका साली है, मतलब साली और घरवाली दोनों एक साथ। और छोटा भाई का लड़का ये एकदम छोटा सा है वो, और बड़ा वाला भांजा है। और इधर छोटी दुल्हन का छोटा भाई और बहन है। और ये मेरी बुआ जी है जिनका, जिनकी लड़का का जो है शादी है। और ये मेरा छोटा अंकल है, दोनों का लाडली बेटी बीच में खड़ी हो गई है। और ये रहा रिसेप्शन का गेट, कितना सुंदर से सजाया है और मैं इसके सामने खड़ी होके जो है फ़ोटो खींच रही हूँ, वीडियो ले रही हूँ, ठीक है, बहुत मज़ा आ रहा था। और इसी बीच में मेरे मम्मी भी एकदम धीरे धीरे निकल रही है गेट से और देख भी रही थी पीछे मुड़ के। और इधर देखिए दोनों भांजी दो साइड में है और बीच में बहन है और नई दुल्हन भी है। नया दूल्हा को फोटो खींचने का टाइम ही नहीं मिला, इतना टाइम बाद आया है फोटो खींचने के लिए। नई दुल्हन की घर से कितना सारा गिफ्ट आया है सबके लिए, बहुत सारा गिफ्ट, पूरा घर भर गया गिफ्ट से, बहुत अच्छा लग रहा है। गिफ्ट भी बहुत सुंदर हुआ है, गिफ्ट है, मिठाई है, स्नैक्स भी है, चॉकलेट है और जो है मेकअप का कुछ सामान भी है। और छोटा छोटा ये एकदम छोटा सा दुल्हन और दुल्हा का पुतला भी है। और ये सब परफ्यूम है, फ्रूट्स है, ये सब नई दुल्हन की घर से गिफ्ट आया है। बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आया है।
और इधर देखिए पायल जो है नई दुल्हन है और पिंटू नई दुल्हा है, नया दुल्हा है, तो दोनों के रिसेप्शन पार्टी का मेनू कार्ड ये बंगाली में लिखा गया है, ठीक है, जो जो भी मेनू है वो लिखा है। तो आप लोगों ने तो देखा ही है कि मैंने एकदम शादी के रिसेप्शन में कितना मस्ती किए, कितना इंजॉय किए है। तो अभी जो है बहुत रात हो गया है, डिनर भी कंप्लीट करके मैं घर पे आ गई हूँ और आज का व्लॉग यही पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।